सो हेलो फ्रेंड, तो अपना पी कार्ड्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको व्हाइट वाला एक बैकग्राउंड ले लेना है। उसके बाद सिंपली हम इसको क्रॉप कर लेंगे। तो टूल्स वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्रॉप को सिलेक्ट करेंगे और 16:9 वाला रेशियो लेके सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार हो गया। उसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो वाला आइकन पे, हम अपना मॉडल इमेज इसमें ऐड कर लेंगे। तो ऐड फोटो पे टाइप कर देना है, ये रहा हमारा मॉडल इमेज, इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको बैकग्राउंड से हम कटआउट कर लेंगे। तो कटआउट करने के लिए जाएंगे, कटआउट पे क्लिक करेंगे, फिर से हम पर्सन को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। तो देखिए हमारा ये कटआउट हो गया। कुछ इस प्रकार आपको मैनेजमेंट कर देना है बैकग्राउंड के हिसाब से। उसके बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो वाला आइकन पे, हम अपना एक PNG ऐड कर लेंगे। ये रहा हमारा PNG, इसको ऐड कर लेंगे। सिंपली हम जाएंगे ब्लेंड वाले आइकन पे, इसको हम स्क्रीन कर देंगे। कुछ इस प्रकार स्क्रीन करने के बाद यहाँ से करके सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है। डन कर देंगे, फिर से जाएंगे ऐड फोटो वाले आइकन पे, फिर से हम अपना एक PNG ऐड कर लेंगे। ये रहा PNG, सभी PNG का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर को इस प्रकार आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। इस वाले आइकन को ब्लेंड पे जाना है लेके, आपको कुछ इस प्रकार इस पर रख देना है, ऐसे आपको स्क्रीन कर देना है। देखिए कुछ इस प्रकार कलरफुल हो गया स्क्रीन करने से। सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है। डन करने का फिर से जाएंगे ऐड वर्ड फोटो वाला आइकन पे, हम अपनी ऐड कर लेंगे फिर से। ये रहा है 2022 वाला PNG रहा, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड वाले फोटो पे जाएंगे, PNG अपना ऐड कर लेंगे। ये रहा, इसको कुछ इस प्रकार एडजस्टमेंट कर देना है इस पे, फिर इसको कुछ इस प्रकार यहाँ पे रख देना है 2022 को। फिर से जाएंगे ऐड फोटो वाला आइकन पे, हम अपना फिर से एक PNG ऐड कर देंगे। तो ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा PNG, इसको हम ऐड कर लेंगे। देखिए सिंपली आपको इस PNG को कुछ इस प्रकार ब्लेंड पे ले जाएंगे, स्क्रीन कर देंगे और इसको कुछ इस प्रकार हम कर लेंगे। फिर इसको यहाँ पे रख देंगे इस प्रकार। इसको हम यहाँ पे फिर से ब्लेंड वाला आइकन पे जाएंगे, स्क्रीन कर देंगे और कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपको ऐसे रख देना है। फिर से ऐड फोटो वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर से PNG हम ऐड कर लेंगे। इस रेड वाले PNG को ब्लेंड पे लेके जाएंगे, स्क्रीन करके कुछ इस प्रकार हम रख लेंगे। फिर से इस वाले PNG को हम लाइट PNG को येलो लाइट PNG को ब्लेंड पे ले जाएंगे, फिर से इसको भी हम स्क्रीन कर देंगे कुछ इस प्रकार। फिर से आपको ऐड फोटो वाला आइकन पे जाना है और एक लास्ट PNG आपको है ऐड कर लेना है। ये रहा हमारा लास्ट PNG, इसको हम कुछ इस प्रकार यहाँ पे साइड में ऐड कर लेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद इसका हम डुप्लीकेट एक और कर लेंगे, आइकन पे क्लिक करके फिर से हम इसका डुप्लीकेट एक कर लेंगे। कुछ इस प्रकार इसको नीचे के साइड में हम एडजस्टमेंट करके सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद हम इसमें इफेक्ट दे देंगे, तो इफेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और हम सिंपल पे क्लिक करेंगे और लोमो फिल्टर सेलेक्ट करके इसका विग्नेट 0 रखेंगे, इसका अमाउंट भी 0 रखेंगे, इसका फेड हम 10 रखेंगे। इरेज वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और हम चेहरे से इसको इरेज कर देंगे।
सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है। इफेक्ट्स वाले आइकन पे फिर से क्लिक करना है और इफेक्ट्स पे क्लिक करके विग्नेट वाला फिल्टर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका हम साइज करीब करीब 93 रखना है। फेड आपको 88 रख के सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है। देखिए हमारा फोटो कुछ इस प्रकार का एडिटिंग हो गया, पूरा फुल फोटो एडिटिंग हो गया पिकार्ट्स में। देखिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ इसी प्रकार रिलेटेड फ्रेंड अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ इसी प्रकार रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।